नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से कुल देवी की मंदिर की पूजा करने के बाद में लक्ष्मी पहुंचती हैं सीधे सीधे पंडित के पास में, और पंडित बताएगा कि आखिरकार कब ऋषि पर खतरा आने वाला है, क्योंकि ऋषि के खतरे को लेकर एक बार फिर से पंडित ने किया है लक्ष्मी को अलर्ट, और उसने सही अलर्ट किया है क्योंकि वो जानता है कि इस समय लक्ष्मी ही हैं जो ऋषि का ख्याल रखती हैं और ऋषि को बचा सकती हैं, क्योंकि मार्कश दोष अभी भी लगातार जो कि ऋषि की कुंडली में बाकी है, और ऋषि की कुंडली में मार्कश दोष इस समय इतने ज़्यादा ऊपर आ चुका है कि ऋषि को किसी भी वक्त कुछ भी थोड़ी घनी चोट भी लग सकती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ भी ऐसा बाहर से आ सकता है। लेकिन दोस्तों, वो मार्कश दोष किससे है वो भी पहले से ही बता चुके हैं, क्योंकि वो मार्कश दोष किसी और से नहीं बल्कि वो मलिष्का से ही है, और मलिष्का ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि ऋषि के करीब रहने की कोशिश करती है, इसीलिए ऋषि कहीं ना कहीं अपसेट भी रहता है, क्योंकि जब जब मलिष्का साथ रहती हैं तब तब ऋषि पूरी तरीका से चिड़ाया हुआ यानी अशांत मन से रहता है। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त जो कि आहाना ने पूरी तरीका से मलिष्का को सुना दिया है कि तुम लक्ष्मी बावी से जलन करती हो और तुम्हें इस शादी में खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि तुम इस शादी को पूरी तरीका से जो शांति है जो खुशी हैं उनको वो हटाना चाहती है हमारे घर से। इस तरीका से लगातार आहाना सुनाती हुई नजर आ रही है खरी खोटी इस समय मलिष्का को, क्योंकि दोस्तों लेकिन आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि के फादर ये भी बोलते हुए नजर आएंगे कि आहाना इस समय ऋषि की छोड़कर इस समय लक्ष्मी का साथ दे रही है, या को मतलब कि लक्ष्मी तो कुछ ना कुछ कर जरूर रही है और कान भी भर रही है, ऐसा लग रहा है इन लोगों को। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ बड़ी अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, अगर आपने मेरा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो कृपया करके गाइज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला एपिसोड वाकई में अत्यंत दिलचस्प देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि कैसे ऋषि और लक्ष्मी एक हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब